शनिवार की सुबह छाता थाने पर पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान थाने के गेट पर गुरुग्राम से होंडा सिटी कार को रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी में अवैध शराब भरी पाई गई। ये शराब बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। गाड़ी में 35 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का समेत तस्कर राजेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी राज गार्डन ओल्ड फरीदाबाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रमन ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए इस छापामार कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। सर बताएं शराब अवैध शराब के परिवहन के लिए जो लगातार अभियान चल रहा है उसको रोकने के लिए, तो उसी के तहत छाता पुलिस को जो है बड़ी सफलता मिली है और 35 पेटी दारू पकड़ी गई है जो कि होंडा सिटी कार में लाई जा रही थी। दिल्ली नंबर ये गाड़ी थी और इसको परिवहन करके बिहार ले जाया जा रहा था और इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसका नाम राजेश है, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है। ये हरियाणा मार्ग का दारू है, 35 पेटी है और लगभग इसकी अनुमानित लागत बाजार मूल्य 3.5 लाख रुपये है। सर जैसे कि माना जाए कि कोटवन चौकी बॉर्डर भी पड़ता है, वहाँ से ये शराब कैसे निकल गया है? देखिए क्योंकि NH2 पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो प्रत्येक गाड़ी को चेक करना संभव नहीं होता है और जो तरीके हैं दारू लाने के वो हमेशा अलग अलग अपनाए जाते हैं। कभी छोटी गाड़ी में, कभी बड़ी गाड़ी में, कभी सामान कुछ रखा जाता है, बिल्टी कुछ होती है, तो इतने ज़्यादा ट्रैफिक में और अलग अलग तरीके अपनाते हैं तो पुलिस की यही रहती है एक तरीके से मोडस ऑफ ऑपरेंडी की वो जो उनके तरीके हैं उनको पहचाने और उनको जल्द से जल्द पकड़े। तो अगर वो कोटवन हमारी चौकी पकड़ने में असफल होती है तो हमारी जो छाता थाने की जो पुलिस है वो भी तैयार रहती है उनको पकड़ने के लिए। तो कोसी पकड़े या छाता पकड़े, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, अवैध आपका जो परिवहन हो रहा है वो पकड़ा जाना चाहिए, उसमें हमें सफलता मिल रही है। सर